कटा जबरदस्ती करी थी भाई साहब ने। कल मेरे बच्चों को दिखाने लेने आई थी मैं, आज और दिखाने आई हूँ। इतनी बदतमीजी से बोला मैंने, दिखाना आने फिर 20 रुपए। क्या डॉगरी माँ आंटी रुक, ऐसे गाली दे रहा। कल वालों ने ये टेंडर दिया है, टेंडर के अंदर टेंडर लेने वाला जो वाहन खड़ी होती है उनको पार्किंग लगाई है, उस पार्किंग के अंदर लूट कसोट मचाना और जो मरीज अपने मरीज को लेकर के आते हैं उसका इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन वो पहले मोटरसाइकिल को फ्री करेगा, मरीज को पैदल ले जाएगा, मोटरसाइकिल से पहले मरीज को छोड़ेगा, मरीज को छोड़ने के बाद में मोटरसाइकिल वगैरह या कोई भी फोर व्हीलर लाया उसको उठा करके ले जा करके जबरन और वो ले जाएंगे और उससे डबल चार्ज वसूल करते हैं। नियम के विरुद्ध ये बड़ा बड़ा करके इस प्रकार का, ये लोगों का शोषण हम नहीं होने देंगे। इसलिए जिस प्रकार लूट कसोट का अड्डा चल रहा है उस अड्डे को हम नहीं चलने देंगे। ये कोई पार्किंग लूट कसोट का अड्डा नहीं होना चाहिए। आपके पीएमओ साहब को, पीएमओ साहब को ये है कि एक सप्ताह के अंदर पहले नोटिस दे करके उनको हिदायत दे दें, या तो लूट कसोट बंद करें अन्यथा यह टेंडर निरस्त करके हमें एक सप्ताह के अंदर दें। ये शासन बदली हो गया है, ये कोई कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मोदी सरकार है। मोदी जी का कहना है हर गरीब को राहत मिलनी चाहिए, मोदी जी की यही भावना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अनुसार इनको चलना पड़ेगा। और लूट कसोट कोई करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, टेंडर भी निरस्त होंगे। धन्यवाद। ₹40 तो इसको दो, इसको तुरंत बंद कराओ। 20 रुपये है, आप सुनो, 20 रुपये है ना, दिखाओ।